जूस के धंधे में सोहेल के लगाए गए आरोप और डोंगरे परकार बिल्डिंग के लोगों के आरोपों का उमर उस्मान ने दिया जवाब। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने दो दिन पहले आपको दो खबरें बताई थी जिसमें एक सोहेल शेख नाम के व्यक्ति ने उमर और उस्मान नाम के दो भाइयों पर जूस के धंधे में नुकसान होने का, धंधा बंद होने के बाद जबरन उगाही का आरोप लगाते हुए फिनेल पीने का कदम उठाने का आरोप लगाया था। वहीं डोंगरे परकार बिल्डिंग रशीद कंपाउंड में बिल्कुल प्राइम अस्पताल के पीछे की बिल्डिंग, यहां पर सभी बिल्डिंग के निवासियों ने, जिसमें मोहसिन पठान है, उनके कई साथी हैं, कई परिवार के लोग हैं, इन्होंने भी उमर उस्मान पर बिल्डिंग में दादागिरी करना, लोगों को परेशान करना, परेशान करके लोगों से जबरन पैसों की डिमांड करना, ऐसे कई आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों का जवाब दिया है उस्मान और उमर ने, दोनों भाई उमर और उस्मान इन पूरे आरोपों को लेकर क्या कह रहे, सुनिए। उमर भाई, आप पे और आपके भाई पे एक सोहेल नाम के व्यक्ति ने कई आरोप लगाए गए, जिस तरीके से आप उसको हरेसमेंट कर रहे थे, हरेसमेंट के कारण उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया, अपनी जान देने की कोशिश की है, तो क्या पूरा मामला है जिस तरीके से आप पे आरोप लगाए गए रहे? मामला ये है कि सोहेल जो है मेरे पास, जब मैं भाई के साथ दुकान पे बैठा नहीं था तो मैं घूम रहा था, तो सोहेल ने क्या बोला कि मैं जहाँ काम करता था ना, तो वहाँ से मेरे को काम पे से निकाल दिया गया है, इसकी माँ की भी तरह तबीयत खराब है, तो बोले घर में खर्चे के वांदे हो रहे, बोले तो तेरे को जूस की लेन मालूम है, तो जरा जूस का काम तू ना देखो महीना 15 दिन में तू सिखा दे काम मेरे को। तो मैं बोला चल मैं घूम रहा भाई, देखो मैं सिखा दूंगा काम जूस का। तो बोला सामान, मतलब फिर सामान तो देखो सब लगेगा, मिक्सर लगेगा, काउंटर लगेगा जूस का, सब चाहिए ए टू जेड तेरे को सामान लगेगा जूस का, 1-1.5 लाख रुपये जो भी तेरे को, मेरे को मत दे, तू अपना जाके सामान लेगा, जिस दिन सामान लाएगा तू मेरे को फोन कर देना, तो मैं आके तेरे को सिखा दूंगा सब लेन। तो उसने मेरे को फिर मिला, बोले मैं सब सामान, तो बोला किधर मिलेगा सामान, तो मेरे पास कुछ सामान रखा था, तो बोला मेरे पास सामान है मैं तेरे को दिला दूंगा, और दूसरा सामान अपने को भाड़े पे लाने का रहेगा, उसका 150 रुपया पर डे रहेगा, 150 रुपया तेरे को महीने का रोज का 150 रुपया देने का रहेगा। तो उसने बोला ठीक है मैं 150 रुपया रोज का दूंगा, बोले ये सब बात हुई मेरी, फिर वो काउंटर वाले के पास लेके गया मैं उसको, तो काउंटर वाला क्या बोला कि पैसा पूरा 30,000 रुपया देना पड़ेगा तेरे को। तो उसने क्या बोला कि अभी मेरे पास 30,000 रुपया नहीं, 10,000 रुपया है, मैं तेरे को 10,000 रुपया देता हूँ, उसके बाद में तेरे को 10,000 रुपया करके 10-10 करके 2 बार में दे दूंगा। तो उसका भी पैसा दिया नहीं उसने अभी तक, तो मेरे को फोन करा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पे उसको मैंने दिलाया था, तो मेरे को फोन करा, बोले भाई वो फोन उठा रहा नहीं, बोले उसको फोन लगा रहा 15-15 20 फोन लगा रहा उसको, मेरा फोन उठा रहा नहीं, बोले तो तुमने लेके आया तो तुम उससे बात करो। तो मैं उसको फोन लगा के बोला कि बोला जिससे तूने काउंटर लिया उसका पैसा तो क्लियर कर पहले, तू दुकान तूने चालू किया ना तो क्लियर तू करेगा ना, मैं अगर चालू किया होता दुकान, ये दुकान कहाँ चालू की गई थी? ये लोधा में। सोहेल का कहना है तो दीवा में चालू है। दीवा में नहीं थी, मेरे को लेके गया था दुकान पे, दुकान का पूरा मेरे को सब सर्वे कराया, बोले ये स्पॉट है इधर चालू कर रहा मैं, इंसानियत के नाते उसको मैंने काम सिखाया, उसको कुछ लेन मालूम नहीं थी, उसको काम पे से वहां से निकाल दिया गया था जहाँ काम करता था ना, तो वहां से उसको काम पे से भगा दिया, 2-3 महीने से घूम रहा था। तो मेरे को बोला कि काम धंधे पे हो नहीं, बोले परेशानी चली घर में, खाने पीने के वांदे हो गए बोले घर में। तो बोला चल ठीक है भाई, मुसलमान है, एक मुसलमान के नाते तेरे को मैंने लाइन सिखाया, और उसके बाद मैंने उसको लाइन दिन सिखाया तो महीना 15 दिन में उसको काम सिखाया बराबर से। तो उसके बाद फिर ये शायद लड़का है, उसको मैंने शायद को वहाँ पे काम पे लगाया, उसने बोला कोई कार्य, उस्मान की दुकान पे पहले ये काम करता था, उस्मान के बाद लड़के गांव चले गया था, तो उस्मान ने लड़के रख दिया था काम पे, तो ऑलरेडी उसके बाद 3 लड़के थे उस्मान के बाद, तो ये घूम रहा था। तो उसने बोला उमर भाई किधर काम पे लगा दो, तो बोला अपने दोस्त है उसके साथ तू लग जा, तो उसको बोला जो भी रहेगा पैसा रोज करो 300-400 रुपया जो भी इसको डेली दे दिया कर, तो नहीं दे रहा तो बोले महीने महीने दूंगा उसको, तो 1 महीने का पूरा उसका पैसा दिया नहीं। तो उसने मेरे को फोन किया कि बोले वो पैसा दे रहा नहीं, बोले तो बोला ठीक है मैं से बात करता, तो बोला पैसा दे उसका, तो बोले 2-3 रुक जा मेरा पैसा आने वाला है तो वो उसको दे दूंगा पैसा, बोले तो फिर ये उसको भी भगा दिया काम पे से, बोले तू काम पे मत आ। तो इससे पैसे के लिए फोन किया तो उसको बोलता पैसा तेरे को मिलेगा नहीं, जो करना कर जा, उमर से आके पैसा ले, जब काम उसके उधर किया तो पैसा मैं क्यों दूंगा उसको, और इसका फोन उठा रहा नहीं है, ये फोन पे फोन लगा रहा है। उमर भाई, ये जो आपने दुकान खोली थी लोधा में, मतलब जो भी वो पार्टनरशिप, मैंने पार्टनरशिप में नहीं खोला, एक सेकंड मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, जो दुकान खोली गई आप वहाँ पे कितने दिन गए थे उस दुकान पे? मैं उसको सिखाने के हिसाब से 15-20 दिन गया वहाँ पे काम, मतलब 15-20 दिन ही आप उस दुकान पे गए, उसके बाद आपने दुकान छोड़ी? मैं वहाँ पे पार्टनरशिप में ही नहीं था ना मैडम। हाँ, उसके बाद आपने दुकान छोड़ी, उसके बाद आप वहाँ पे नहीं गए। वहाँ पे लोगों ने, मतलब मोहसिन नामक व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि जब आपको उस्मान ने घर से निकाल दिया तब आप यहाँ वहाँ मस्जिदों में सो रहे थे, तो ये बात में कितनी हकीकत है? ये हकीकत नहीं है बात में, मैं पीछे फैसल पार्क में रह रहा था, मस्जिद में मैंने सो रहा नहीं था, हम लोग का थोड़ा भाई लोग में अंडे से ही हो गया था, तो मैं मस्जिद में सो रहा, घर पे अपना फैसल पार्क में रह रहा था मैं,
तो ये मेरे को बोला कि काम सिखा दे कैसे भी करके। तो उसमें मोशिन भी आया था डम्बे साथ में, तो मोशिन ने बोला कि इसको काम सिखा दे, बोले ये बहुत परेशान है, बोले काम उसको सिखा दे, बोले तो मतलब ठीक है चल सिखा देंगे काम। उसके बाद मतलब आपने सिर्फ इंसानियत में सोहेल का साथ दिया, 15-20 दिन आपने उसको लाइन सिखाई जिसमें उसने जो सामान है वो लिया। काउंटर की बात आ रही है तो हमारी जानकारी के मुताबिक आपको शहबाज डेरी ने 20,000 रुपए दिए और 4,000 रुपए मोहसिन ने, तो वो पैसा आपको किस लिए दिया गया था? मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, ये गलत बात है मैडम। ना शहबाज ने पैसा दिया ना मोहसिन ने पैसा दिया, उन्होंने ये बोले थे कि तू काम सिखा देना देखो हम लोग पैसा दे देंगे, तो उन्होंने पैसा 1 रुपया नहीं दिया मेरे को। मतलब चल ठीक है भाई, तुम लोग धंधा पानी चल रहा नहीं है, तुम लोगों को लाइन बताने का था मैं लाइन बता दिया, बाकी आगे तुम लोग करो। मैं बोला मैं नहीं बैठूंगा वहाँ पे दुकान पे, मेरे को मेरे भी फैमिली है, मेरे को भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर उस्मान के साथ में मैं वापस दुकान पे आ गया। मतलब आपको एक भी पैसा वहाँ से नहीं मिला, मतलब आपका 15 दिन वेस्ट हुआ। बराबर। तो अभी आप सोहेल से किस चीज की मांगनी कर रहे हैं और किस चीज की अर्जी आपने डाली थी? सोहेल के नाम पे मैंने अर्जी ये डाला हूँ कि सोहेल ने जो सामान जो लेके गया था ना उसका पैसा भी नहीं दिया, ना भाड़ा दिया और ना सामान वापिस करा। उसको मैं फोन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मतलब जो सामान तेरे पास रखा वो सामान लाके तू दे दे। तो बोला 2-3 दिन से दुकान बंद है, थोड़ा बाहर हूँ, जिस दिन आऊंगा तो उस दिन लाके तेरे को सामान दे दूंगा। फोन लगा उसको बोला मैंने, तो बोलता वो मशीन मना कर रहा है कि सामान नहीं देंगे, बोले तेरे को। मतलब क्यों नहीं देंगे सामान, में बोला तो बोलता सामान तेरे को मिलेगा नहीं, बोले। उमर भाई एक आपकी बात रोक के बोलो, सोहेल का ये कहना है कि आप सोहेल ने जो सामान था वो पूरे दे दिया था, फिर भी आप और सामान की मांग कर रहे हो। कुछ सामान नहीं दिया, अगर वो सामान मेरे को दे देता तो मैं अर्जी क्यों डालता उसके खिलाफ चौकी में। वो काउंटर वाले का पैसा भी तक उसने नहीं दिया, उसका भी 10,000 रुपए बाकी है। उमर भाई उस पे सोहेल का ये कहना है कि आप रोजाना जितने दिन आप गए उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, आप रोजाना गले में से पैसा उठाते थे ये कहकर कि मुझे काउंटर वाले को देना, इस बात में कितनी हकीकत है? ये सब झूठ बात है मैडम। ठीक है उमर भाई, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मुमरा चौकी में हर आए दिन एक नई एनसी एक नई FIR होती है जिस पे मुमरा चौकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जैसे कि जरीन का मैटर अभी हमारे सामने है, और आपकी अर्जी पे 4 महीने के अंदर मुमरा पुलिस स्टेशन ने इतना बड़ा कदम उठाया कि सोहेल के घर तक आई सिर्फ अर्जी पे, तो आपने क्या ऐसा काम किया था कि मुमरा पुलिस चौकी इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई आपके काम की? अर्जी का मसला नहीं था मैडम, उसमें कैसा था सोहेल और मोहसिन वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इन लोग ने अर्जी डाले थे, सिर्फ अर्जी पे उसको कॉल किया गया था, कुछ बोला नहीं गया था उसके। वहाँ पे कौन है मुमरा चौकी में पता नहीं, उसको किसी ने बता देगा तेरे को चौकी में तेरे नाम पे अर्जी गई है, तो उसको शायद कॉल आया होगा चौकी से, तो कॉल आने के बाद में दूसरे दिन मुहर्रम के एक दिन आशूरे के एक दिन पहले सोहेल मोहसिन वो जम्बो नाम का लड़का उसकी रिक्शा में आए थे, रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा, सोहेल अंदर से बैठे लाए वो बंदूक है कुछ उसके पास, वो असली नकली पता नहीं, बोलता बोले तुमने अर्जी डाला ना, बोले तेरे को अभी इधर से फायर कर देंगे। मोहसिन पीछे गया था उधर रजनीगंधा लेने के लिए, रजनीगंधा ऐसा आते आते हिला रहा, बोलता अभी MD खा के भाई अभी मारेंगे क्या, MD खाए बाद मारेंगे। तो आपने ये जो हकीकत है उसके खिलाफ जाके मुमरा पुलिस में कंप्लेंट की थी? मुमरा पुलिस स्टेशन में मैं क्या था, तो लोग ने क्या बोले कि बोले आप लोगों का सामान का मसला है, तो शायद इसके लिए लोग ने ऐसा किया होगा। नहीं आप हथियार दिखाए तो उस पर तो कंप्लेंट लेने चाहिए, आपकी जान का हथियार खतरा है तो कैसा है, मैंने खतरा है तो मैंने जाके उधर साहब को बोला, तो लोग ने क्या बोले जिसके पास आपका केस है वो तो मसला ये लोग दोनों का था, मेरा तो कोई लेना देना वो केस में है नहीं सोहेल से। तो मैं बोला ये लोग को शायद करा होगा, लेकिन ऐसा वो दिखा रहा था ये भी था। तो बोलता के बोले अर्जी भी वापिस ले ले और मैं तेरे को सामान तो दूंगा, तो छोड़ तेरे से डबल निकालूंगा, बोले देख वो हम लोग का काम है, क्योंकि इन लोग का डोंगरे के अंदर ये जो 5 घर है, बिल्डिंग वालों का ऐसा कहना है कि अगर आपको कोई घूर के भी देख ले आपके आपके भाई को तो आप पहले पुलिस स्टेशन भागते हो, पहले अर्जी कंप्लेंट या NC कराने ऐसा पहुंचते हो। मैं क्या बोलता है आप RTI डाल दो, एक RTI डाल के पूरा रिकॉर्ड निकलवा दो। वहाँ के लोगों को खौफ है कि आप पुलिस स्टेशन की धमकी देते हो, दादागिरी करते हो। और सोहेल ने मेरी बात सुनिए, सोहेल ने एक भाई उसमें इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि एक माचिस के डब्बे के अंदर एक बंदूक की गोली रखी आपने, आपने उसको कहा कि ये जो गोली है वो तेरे नाम की है, कभी भी मैं तेरे को ठोक दूंगा जब तक तू पैसा नहीं देगा। माचिस की डब्बी के अंदर बंदूक की गोली है, डब्बी का सोहेल ने बकायदा मेरे को जब बंदूक दिखाया तो मैंने ऑफिसर को जाके बताया। कौन सा ऑफिसर को बताया था? ऑफिसर का नाम तो मेरे को पता नहीं। अच्छा, आपकी अर्जी किस ऑफिसर के हाथ? अर्जी किसके पास है? नाम तो पता अच्छा, नहीं। कोई डिटेक्शन में ऑफिसर्स के नाम क्या है जो सोहेल के लिए आए थे? सोहेल के लिए 2 ऑफिसर आए थे, जब मैंने उनको बताया था ऑफिसर लोग ने क्या बोले इसको, सोहेल को फोन किए कि बोले तू यहाँ पे आ, तो क्या उन लोग को सिर्फ 1 महीने से बोला कि आज आता हूँ कल आता हूँ, ये जुलाई की बात है, 29 जुलाई की बात है, मुहर्रम के एक दिन आशूरे के एक दिन पहले, तो उस टाइम से उसको कॉल कर रहे, बोला आज आता हूँ कल आता हूँ। बोला सर देखो ऐसा धमकी देना तो सही नहीं ना, वो सामान का जो मसला है वो लोग का है, मेरा क्या इसमें। तो आपने भी कंप्लेंट किए थे क्या?
मैंने तो मैंने उस आपको बताया था, लोग ने बोले ठीक है उसको बुला के हम लोग बैठ के खत्म करवा देते, वो जो भी उस नहीं बंदूक दिखाया तो आप तो कंप्लेंट कर सकते थे ना। तो मैं गया था ना, मतलब मुमरा पुलिस चौकी ने आपकी भी कंप्लेंट नहीं ली उस मैटर पे, ठीक है। उस्मान भाई फिर भी एक सवाल उठता है कि अर्जी पे काम कैसे हो, मतलब हम एक अवेयरनेस के लिए आपसे पूछे कि किस तरीके से आपने क्या काम किया कि चार महीने के अंदर आपकी अर्जी पे काम हुआ और सेम बिल्डिंग वालों ने भी अर्जी डाली उनकी बिल्डिंग पे काम। अर्जी पे काम नहीं हुआ मैडम, अर्जी का मसला अलग था, इसलिए जो धमकी दिया तो वो लोग ने क्या बोले कि हम लोग सोहेल के घर पे पुलिस क्यों आई थी, सोहेल के घर पे सोहेल को जब पुलिस वाले लोग फोन करके बुला के बोले फोन कर। मैं मैडम बात कर रहा हूँ, सोहेल को ना दो एक महीने से साफ फोन कर रहा है कि जो भी तुम मैं वही पूछ रही हूँ किस लिए फोन कर रहे थे, सामान के लिए फोन कर रहे थे, घर पे भी पुलिस सामान के लिए सामान के लिए प्लस वो जो गोली का जो बंदूक का जो बोले ना उस्मान ने बंदूक का कोई उन्होंने लिखित एफआईआर या एनसीबी फिर भी वो पुलिस वाले घर पे आए थे, ठीक है। तो उसके बाद में उसको लोग ने हम लोग को उस दिन भी उसको फोन मारे तो सोहेल फोन उठा नहीं रहा है, तो उसके बाद में लोग ने बोले लोग को उसको हम लोग बुलाते बिठा के तुम लोग क्या मैटर है, बोले तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे, मतलब ठीक है सर हम लोग को कोई लोग से लड़ना तो है नहीं, क्योंकि सोहेल जब हम लोग जब कब उसने हम लोग से रूम लिया 2008 में, उसके अब्बा का शायद बॉम्बे में पायदोनी के पास कितना कुछ मर्डर हुआ था, वो लोग कुछ हफ्ता वसीली का जो भी जानते उन लोग की पर्सनल लाइफ है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद उसकी माँ का कुछ दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं रहता था, हम लोग ने रूम लोग को बेचे थे 1,50,000 रुपए में। सोहेल का तो ये भी कहना है कि जो 1,50,000 में आपने घर बेचे थे और आप उसको बोले कि 3,00,000 ले ले घर खाली कर दे, नहीं तो हरेसमेंट कर रहे एक्सटॉर्शन दे रहा था। मैंने उसी टाइम पे वो घर उसी के नीचे 1,10,000 रुपए मिले, मेरा 30,000 रुपए का फायदा है, वो रूम इतना लीकेज होता था हम लोग ने खुद उसको निकाल दिए, वो रूम हम लोग को चाहिए नहीं था, हम जब हम लोग ने उसको रूम दिया था हम लोग उसी टाइम पे नीचे डोंगरे बाग में रूम नंबर 2 उस टाइम पे वो बोरी आंटी थे उनका रूम था, हम लोग उस पे मेंटेनेंस पे रहते थे क्योंकि वो रूम इतना लीकेज होता था, हम लोग ने बेच के हम लोग ये सोचे कि हम लोग की जान छुटी, हम लोग ने हम लोग तो मतलब आपस आप वापस नहीं गए थे, वापस में मंगाए नहीं उसे बोले ही नहीं। ये आरोप लगा कि जो वहाँ के बिल्डिंग के रहने वाले उन्होंने बताया कि आपने मोसी ने किसी पे केस किया है कि आपके घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई, जिसपे बिल्डिंग वाले ये गवाही दे रहे हैं कि वो तोड़फोड़ खुद आपने की है, एसी खुद आप बाहर लेके गए लोगों के पास इस बात के वीडियो, तो क्या है वो पूरा वीडियो, ठीक है वीडियो उनको बोलना दिखा दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, मोहसिन के मुंह से मोहसिन ने खुद घुसे बोल कबूल किया है कि हम लोग ने उसको निकाल के अपना ताला मार दिए। आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपको रिकॉर्डिंग पे देता हूँ, मोहसिन की है और मोहसिन के पास प्लस जब हम लोग का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था मेरी मम्मी के इंतकाल के बाद, तो सोहेल मोहसिन आजम फकरे आलम और जिब्रान और लोग के साथ में एक दो लड़के रहते नाम पता नहीं, क्योंकि वो गली में आप जाओगे गली में जैसे आप एंट्री करोगे वो जो लोग की दुकान है और दुकान आप रात में 6 बजे भी आओगे तो आपको खुली मिलेगी, 7 बजे भी आओगे तो खुली मिलेगी, ना वो लोग सोशल वर्कर है ना कोई नगर सेवक है ना उनका कोई काम है, ऑफिस खोल के वहाँ पे सिर्फ नशा होता है। आपको मैं चलो आप मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आप खुद रिकॉर्ड करना ऑन कैमरा। सही आरोप आप पे भी लगा है कि आपका जो घर जो आपने रेंट पे दिया हुआ है उसके सामने आप जबरन ठेला खड़ा करते हैं और पूरी बिल्डिंग में कहीं कोई घर के नीचे कोई दुकान के सामने नहीं खड़ा होता है, तो ठीक है ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ 2020 में सोहेल अजमल मोहसिन आजम फकरे आलम फैज आलम शानू लोग को लोग धंधा लगा रहे थे लॉकडाउन में, ये लोग ने भी धंधा किया, तो ये लोग को क्या बोल रहे थे कि बोले अभी हम लोग ने बंद कर दिए ले हम लोग तुम लोग अगर कारोबार करना है तो तुम्हारे को यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोग ने बोले हम क्यों देंगे जब तुमने 4 महीना किए तो हम क्यों देंगे, तो उन लोग के साथ में भी ऐसी मारम पीटी किए, फिर उन लोग के नाम पे उन लोग ने क्या फिर दूसरे दिन जो सलमान है सलमान का ये जो भी है उनका पर्सनल विवाद आपके साथ जो हुआ है वो बताइए। हाँ वो पहले आप मसला पूरा समझ लो कैसा है, इन लोगों की हमेशा की कैसे इन लोगों की खंडी नहीं मांगने का इन लोगों का सिस्टम कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन लोग ने उससे मांगे तो उसने पैसा नहीं दिया, तो उसको आजम फकर आलम मोहसिन अजमल ये सब मिलके लोग ने पूरे ग्रुप है उनका 8-10 का, मैं आपको सबके FIR दिखाऊंगा, ये लोग क्या करते मालूम है क्या, किसी को अकेले को पकड़ेंगे फिर मारेंगे, तो सलमान को इतना मारे कि उसका सर भी फूल गया, 324-326 का कुछ केस बना, तो आजम को दूसरे दिन पुलिस वाले लोग पकड़ के लेके गए, तो ये लोग ने क्या किया शानू को उसके घर के पास से घसीटते हुए लेके गए उधर बिल्डिंग में, इतना मारे उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया और उसी के ऊपर एक FIR बनवा दिए। अच्छा हाँ उसी के ऊपर उसका भाई फैज आलम खुद को अपने आप को एक वार मार के गया और उसी के ऊपर FIR बनवा दिया, और जो लेडीज है वही लेडीज जो नाके पे जो केले का गाड़ी लगाती है वो लोग की जो है खबरी है कि
कैसे है कि ये लोग का काम चलता नशे का और किसी को मारना, क्योंकि पुलिस इनके घर पे आए दिन आते रहती। आजम का आप रिकॉर्ड निकालने जाओगे 2010 2011 वाशी पुलिस स्टेशन में चेन स्नेचिंग का केस है, 2018 आपके मामले में कहीं ना आजम का नाम तो कहीं भी नहीं आया था। नहीं नहीं मेरे से है ना, मेरे एफआईआर में नाम, आपके एफआईआर में, लेकिन उन लोग ने आप पे तो कोई आरोप नहीं लगाया। आजम ने मोहसिन का और सोहेल का मसला, मोहसिन और सोहेल आप पे आरोप लगाए तो उनके बारे में बताइए ना। जो आरोप लगाया ना हमारे ऊपर उसके भाई ने, शालम गाड़ी वाला था शालम, हाँ उसने आरोप लगाया हमारे ऊपर। मैं तो कैसा है ना मालूम है क्या, हम लोग ने उन लोग के खिलाफ है ना चौक मुमरा पुलिस स्टेशन में जब हम लोग के घर में घुसे लोग, तो हम लोग ने अर्जी की कि साहब हम लोग के घर में, जिस टाइम पे लोग को मैंने फोन किया रूम वाले को निकाले, उमर से 2 लाख रुपया मांगे, उमर ने बोला कि आजम मेरे से 2 लाख रुपया मांग रहा है, मोहसिन बोला ठीक है तेरा एग्रीमेंट क्या करने का क्या नहीं करने का मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, तो आजम ने इसको गाली गलौज दिया हम बिन की, तो मैं इसको बोला कि तेरी टांग भी तोड़ दूंगा, बोले अगर पैसा नहीं दिया तो, बोले इधर आ। किसने बोला है जी? आजम। अच्छा मोहसिन कोई लड़के ने कॉल लगा के दिया, बोले ले भाई देख के बात करो, वो लड़का बोल भी रहा है भाई थोड़ा आराम से बात करो, तो फिर भी आजम गाली दिया जा रहा, बोला तू इधर आ तेरे टांग तोड़ता हूँ, बोले तो इसके आपने कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट की थी आपने तो खैर काफी कंप्लेंट्स की है, आपके अलावा भी मतलब आपका कहना है कि उनपे बहुत सारी एफआईआर है, आरटीआई डाली, आपके पास कुछ प्रूफ है कि उन सारे नौजवानों के खिलाफ इससे पहले भी एफआईआर है? क्योंकि उन्होंने तो वीडियो में कहा है कि हमारे ऊपर एक एफआईआर है। मैं आपको बताता हूँ, सुन आप अपने हाथ से ऑन कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ, मैं एफआईआर नंबर में शायद बोल नहीं पाऊँ, एफआईआर नंबर 537/2023 ये किसके नाम पे कंप्लेंट है इसमें? मोहसिन आजम पकड़े आलम और इनके साथीदार। तो किसने किया था ये कंप्लेंट? मेरी है। अच्छा आपने किया, आपकी छोड़ी है। उसके अलावा बता रहा हूँ आपको, एफआईआर नंबर सीआर नंबर 525/2023 फारूक अली, वो कौन है फारूक अली? कोई अमृतनगर में रहता है, उन लोग ने उसके साथ में इतना बुरा मामला किया है, पूरी गली वाले लोग को आप जाके वही है जो आपको दिया हूँ मैंने, तो उसको अपना जूस की दुकान है लोग की इनाया जूस सेंटर तमन नगर पे, फैजा आलम ने उसको बुलाया, बोले इधर आओ, बोले बात करने का, उसके पार्टनर के साथ में उसका कुछ मसला चल रहा था पैसे का लेन देन का। ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी मैटर रहे तो ये लोग को सिर्फ सुपारी चाहिए, हमको पैसा तो हम तुम्हारा मैटर सॉल्व करके देंगे। उस्मान भाई ठीक है, ये जो भी आपका था, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो भी आपका था वो आपका पर्सनल है, लेकिन जो आप पे आरोप लगाए गए हैं जिस तरीके से कि आप एडवोकेट हो तो एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हो और पुलिस के नाम से गुंडागर्दी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, ऐसे सब आप पे आरोप लगाए, उसके आरोपों को लेकर क्या कहना है आपका? मैं क्या बोल रहा हूँ, गुंडागिरी करने वालों के ऊपर एफआईआर दाखिल होती ना, मैं करूंगा तो मेरा कानून तो मेरे घर का नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन मुमरा पुलिस में आपके जैसे कई और एनसी पड़ी है, उस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है, 4-4, 5-5 महीने 6-6 महीने पड़ी है, तो मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, आपके एनसी पे कार्रवाई कैसे हुई? आजम का आपके एनसी पे कार्रवाई कैसे हुई और पुलिस आई थी सोहेल के घर पे? धमकी दिया था ना, बंदूक से, बंदूक अभी जान से मारने की धमकी देगा तो पुलिस आएगी ना उसको लेने के लिए, उनको एड्रेस बताने बोले, ऐसे इंक्वायरी करी है बिना लिखित में, उनके पास कोई एफआईआर ना होने के बावजूद पुलिस घर तक आ रही है, वो पता नहीं आप मेरे को अभी उनका क्या, हम लोग ने पूरा मैटर बताए थे, अभी जैसा आप तो खुद देखे एफआईआर, इन लोगों के पे मेरे अलावा और भी 5-6 एफआईआर है, इन लोग का रिकॉर्ड निकालोगे, फकरे आलम जो शालम जो बोल रहा था कि हम लोग के ऊपर भी एफआईआर नहीं, उसके पूरे भाई लोग के ऊपर कम से कम एक एक के ऊपर, आजम के ऊपर वाशी में 2 है, रबाले में 2 है और अपना पायदोनी पुलिस स्टेशन में 1 है, उन लोग ने अंगाड़े का कुछ पैसा वैसा लूटे थे उसमें भी है, उसके अलावा फकर आलम को आए दिन पुलिस पकड़ने आती क्योंकि वो चोरी का मोबाइल लेता है बेचता है, आप वो गली में जाओगे उसको लोग ने रिमांड रूम बना के रखे, आप एक हफ्ता पहले की कैमरे की रिकॉर्डिंग लोगे उधर भी किसी को लोग ने पकड़ के उठा के ले जाके मारे, वो जो जो फरदीन की जो अम्मी है जो बता रहे ना आप जो मेरे एलएलबी के बारे में बोली, क्योंकि उससे हम लोग का विवाद इस बात पे है क्योंकि उसके आदमी ने उसको 2014 या 2013 में वो तलाक दे चुका है, तो मेरे अम्मी ने इसके ये बात बोले थे कि जब तेको हम मेरा तेरा आदमी ने तेको जब तलाक दे चुका है तो तू साथ में कैसे रहेगी, रिश्ता तो नाजायज हो गया, 10 मरतबा उसका आदमी, ऐसा नहीं कि 1 मरतबा बोला, 10 मरतबा तलाक बोलता है, बोला तेरे को गाली देके बोलता है तलाक दे दिया फिर भी तू यहाँ पे क्यों रह रही है, उसके बाद तो ये चीज तो गलत है ना, नाजायज रिश्ते से रहेगी तो कोई भी बोलेगा, पर्सनल मैटर है ना भाई, फैमिली मैटर है ना, दुश्मनी की वजह है, जो दुश्मनी की वजह यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके अलावा 2-3 बार बोले थे कि अपने इस्लाम में सब चीज हराम है, अपन मुसलमान है तो ये सब चीज इस्लाम में हराम है, जब तलाक हो चुका है तो औरत मेरे साथ में नहीं रह सकते, अच्छा तो उसके ऊपर थोड़ा झगड़ा हुआ था 2-4 बार हम लोगों से, ये फिर होने के बाद उसके जो आदमी हस्बैंड है
उसने 2015 में कुछ बरकत पार में किसी लड़की के साथ में कुछ छेड़खानी या कुछ मसला किया था, तो रात के दो दो तीन तीन बजे पुलिस आती थी ठोकने के लिए। तो मेरे अम्मी मना करते थे कि तुम यहाँ पे ये सब बरकत करके मत, मेरे घर में भी जवान बच्ची है। ये हो गया, उसके बाद भी इधर उसका बेटा फरदीन जो है वो फकरा लंग को चोरी का मोबाइल ला के देना बेचना, क्योंकि ये सिर्फ चार घर के अलावा वो बोले 80 लोग है, 80 लोग ने किसी ने एक में ही बोला क्या है वो चार लोग के अलावा, क्योंकि ये चारों लोग है जो इनका ग्रुप है पूरा 10-12 लोग का। अच्छा ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं उस्मान भाई, चार लोग के अलावा कोई है नहीं, ये चार लोग उनके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में कौन है, बिल्डिंग वाले कौन है? बिल्डिंग वाले, आप चलो ना आपको चल के बाइक कर, कितने लोग है? कि जितने लोग वहाँ पे खड़े थे उन लोगों को, वो तो कोई बोल नहीं रहा कि आप सब आपके खिलाफ ही है सारे बिल्डिंग वाले, तो बिल्डिंग वाले लोग ने किसी ने कुछ बोले, उन लोग जो खड़े थे उन लोगों को क्या बोल के खड़ा किया गया था कि आपको नगर सेवक आ रहे हैं, आप लोगों को वहाँ पे खड़े है ना गटर साफ करवाना है, उन लोगों को ये झूठ बोल के बोला गया था, मांगता आप चल के आप उनसे पूछ लो ये चीज, तो वो लोग को ये बोल के निकाला गया। बाद में फिर लेके आने के बाद वो FIR में उनको पता भी नहीं, वो जो मोहसिन जो पेपर दिखा रहा उसमें उनको पता भी नहीं क्या लिखेला। और प्लस रही शालम की बात, तो शालम ने मेरे बात मेरे खिलाफ जो बोला है कि पुलिस वाले लोग इनको गोद लिए या जो भी, तो वो चीज उसको अभी कोर्ट में वो फेस करना है जो उसने मेरे पर जो तोहमत लगाया है। ये है कि उनके घर पे जब भी पुलिस जाती है, शायद उनके घर पे ऐसा होता होगा कपड़े वपड़े कोई फाड़ ले, में किसी की माँ बहन की इज्जत यहाँ पे निकालना नहीं चाहता। मेरे पास तो ऐसी ऐसी उनकी चीजें है कि उनके एक घर एक बोलने पे अभी उनकी इतनी गलत गलत चीजें मेरे को पता है उन लोगों के घर के बारे में, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं किसी की माँ बहन को रोड पे नहीं लाना चाहता। जैसे वो लोग हो गए, उनके घर वाले लोग ने वो सिखाया, मेरे घर वाले ने ये नहीं सिखाया कि भाई किसी के ऊपर तुम इल्जाम लगाओ। उस्मान भाई अभी तो मुंब्रा पुलिस चौकी से कोई आपकी तो डिमांड होगी नहीं, क्योंकि वो आपकी बात काफी सुनती है, तो अभी आप आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं जो इस तरीके से मोहसिन ने अपनी जान लेने की कोशिश की है? सोहेल ने तो अभी आपका आगे क्या मैसेज है ऐसे लोग? सोहेल से मैं क्या बोलता हूँ मैडम, एक बात पूछो, ये भी बैठेला। सोहेल की दुकान पे आज तक मैं वहाँ पे देखने नहीं गया, सोहेल से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, इसको पूछ लो, ये लड़का काम पे जाता था। और सोहेल कैसा है कि वो लोग उसके ग्रुप के लोग हैं ना, जिस लोग के ऊपर मैंने FIR किया वो लोग उसके ग्रुप के, तो उनको बचाने के लिए सोहेल ऐसा कर रहा है।